जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल UHQ आर्मी जॉब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक अग्निवीर किलर से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं भाई, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमें किलर में भर्ती देखनी है, हमारी एज इतनी है तो बताइए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। हमें बहुत सारे बोल रहे हैं कि भाई आर्ट में मैथ नहीं होता, ये नहीं होता, मतलब पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी किलर की। जो भी आपके डाउट और जो भी आपकी क्वेरी है वो सब आपको इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। क्या आपकी हाइट चाहिए, वेट चाहिए, क्लर्क में चेस्ट कितनी चाहिए, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। एक तरह से ओवरऑल पूरा यहाँ पे भर्ती के बारे में आपकी डिटेल रहेगी, जो भी आपकी ट्रेड है, ठीक है, क्लर्क, उसमें आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एंड एज क्राइटेरिया टेस्ट, ठीक है, और अग्निवीर कैटेगरी। तो आपको पता है कि अग्निवीर के तहत जो आपकी अग्निपथ जो स्कीम आई है, अग्निवीर के तहत आपकी भर्ती यहाँ पे कराई जाएगी। आप जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये है कि भाई जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 है या 23 है। तो आपको बता दूँ, जो हालांकि जो एज रखी गई है अग्निपथ स्कीम में, वो क्लर्क की 17.5 से 21 है भाई, ठीक है। बट आपको सरकार ने 1 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया है, 2 साल का, ठीक है, 2 साल की आपको उम्र में छूट मिली है, इसलिए आपकी 17.5 से 23 यहाँ पे कर दी गई है उम्र, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें क्लर्क की, तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से। 12वीं पास आप होने चाहिए हो, ठीक है, जिसमें आपके पास आर्ट हो, कॉमर्स हो या साइंस, इन तीनों में से आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, बट उसमें आपके 60% होने चाहिए, टोटल सब्जेक्ट में आपके 60% होने चाहिए, और पर सब्जेक्ट में आपके 50 से ऊपर होने चाहिए। तो वीडियो को ध्यान से सुनना भाई, कमेंट में ये मत बोलना कि भाई मेरे 45 नंबर हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर 50% आपके हर सब्जेक्ट में है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपके 49.9 है तो आप एलिजिबल नहीं हो भाई, ठीक है। 60% आपके ओवरऑल होने चाहिए भाई, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्क्योरिंग 50% आपके इन सब्जेक्टों में 50% से ऊपर होने ही चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं लिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश, मैथ, अकाउंट और बुक कीपिंग, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में आपके पास होना कंपलसरी है 50%। और आपको बता दें कि आर्ट्स में अगर आपके पास बुक कीपिंग है तो आप भर्ती देख सकते हो क्लर्क की, अगर आपके पास आर्ट आर्ट में मैथ है तो भी आप देख सकते हो भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आर्ट में मैथ नहीं होता, भाई ऐसा कुछ नहीं है, होता है, बट वो किसी किसी स्टेट में दिया होता है भाई आर्ट में मैथ, और किसी में नहीं दिया होता भाई, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, मिलता है, बट आपको यहाँ पे जैसे कि लिखा भी हुआ है आर्ट, कॉमर्स, साइंस, ठीक है, अगर आर्ट में मैथ नहीं होती तो यहाँ पे कॉमर्स और साइंस ही लिखा होता भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बता दिया है मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे हाइट की बात करें तो आप यहाँ पे जैसे कि चेक कर सकते हो, अग्निवीर क्लर्क SKT स्टोर कीपर टेक्निकल, तो यहाँ पे जैसे कि साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा वेस्टर्न हिमालय रीजन, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपके स्टेट के नाम लिखे हुए हैं और आपको अपने स्टेट के नाम को ढूंढना है, और उसके जस्ट सामने आपको दिख जाएगा अग्निवीर क्लर्क का हाइट कितनी चाहिए भाई, ठीक है, उसके सामने लिखी आएगी चेस्ट और वेट, तो उस हिसाब से आपको चेक कर लेना है कि आपकी क्लर्क में हाइट कितनी चाहिए आपके स्टेट में भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। फिजिकल की बात करें तो वही आपका 5:45 फिजिकल रहेगा, और 5:30 आपका फर्स्ट ग्रुप रहेगा, 5:45 आपका सेकंड ग्रुप रहेगा। अगर आपके पास फादर रिलेशन है तो आपको भाई वो 20 नंबर मिलेंगे, अगर आपके पास यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 20 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे फादर रिलेशन वालों को, आप यहाँ पे देख लीजिए। नीचे अगर आप आते हो कि अगर आपके पास कोई भी मतलब स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, उसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। नीचे आते हो तो अगर आपके पास कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटर
यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का है सर्टिफिकेट, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे भाई, ठीक है। स्टेट और नेशनल के आपको 10 मिलेंगे, आप यहाँ पे पढ़ लेना, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पे NCCA का आपको 5 नंबर मिलेंगे, बी में आपको 10 मिलेंगे और सी में आपको 15 मिलेंगे भाई, ठीक है। ये आपका क्लर्क में मैं आपको बता रहा हूँ। और NCC सर्टिफिकेट और NCCC सर्टिफिकेट है, और आपके पास रिपब्लिक डे परेड का सर्टिफिकेट है, तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा क्लर्क में भाई, ठीक है। और नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट फॉर अग्निवीर क्लर्क SKT कैटेगरी ओ लेवल IT कोर्स सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई भी IT सर्टिफिकेट है ओ लेवल का, तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पे मिले जाएंगे भाई, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नीचे लिखा है यहाँ पे ITI स्किल्स क्वालिफाई कैंडिडेट्स, 1 ईयर का ITI कोर्स है तो 30 मिलेंगे, डिप्लोमा होल्डर है तो 50 मिलेंगे आपको यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो भाई, ठीक है। बाकी नीचे अगर आप आते हो तो आपको और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और सिलेबस की बात करें तो भाई सिलेबस वही आपका पुराना यहाँ पे होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।